सबसे पहले आपका स्वागत, आपका वेलकम। और जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, एक वीडियो मैंने एडेनियम की आपके साथ शेयर की थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे पास दूसरे एडेनियम भी हैं जो मैं अभी नर्सरी से लाया हूँ, और काफ़ी छोटे हैं और प्रोसेस में हैं। लेकिन मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि बहुत छोटे एडेनियम पर जो ग्राफ्टेड हैं वह फ्लावरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने लास्ट ईयर जो एडेनियम खरीदे थे वह ग्राफ्टेड नहीं लिए थे, और उसमें काफ़ी टाइम लग गया था फ्लावरिंग करने में। और मैंने आपको यह भी सजेस्ट किया था कि जब भी आप एडेनियम, अगर आप पेड़ों का शौक़ रखते हैं, आपके यहाँ गार्डन है और आप एडेनियम को पसंद करते हैं, आप अपने यहाँ एडेनियम लगाना चाहते हैं, तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप जो एडेनियम लाएँ वह ग्राफ्टेड लाएँ। उससे होगा क्या कि वह बहुत जल्दी से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। और एक मैंने आपको टिप और बताई थी कि अगर एडेनियम ये यहाँ से ग्राफ्ट होता है, इससे नीचे के पोर्शन से कहीं से भी उसकी ब्रांच निकलती है, इस तरह से ब्रांच यहाँ से निकलती है कहीं से भी, तो आप उसको काट दें। क्योंकि अगर आप उसे काटेंगे नहीं तो जितना भी हमारा एडेनियम का प्लांट है वह जो भी अपने लिए भोजन बनाएगा वह उस ब्रांच से उसमें जाना शुरू कर देगा, और ये दोनों ब्रांच जो ग्राफ्टेड है ये ख़राब हो जाएंगी। ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। और एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, कितना छोटा एडेनियम है, आप देख सकते हैं कितना छोटा एडेनियम है, और इस पर फ्लावरिंग अभी से स्टार्ट हो गई है। अभी जब फ्लावर खिलेगा, 2 या 3 दिन शायद इसमें लग जाएंगे, तो मैं उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपको मेरा एडेनियम कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट्स में जाके बताएं। एक चीज़ और कि जब आप एडेनियम लाएं उसे प्लास्टिक के पॉट में बिल्कुल ना लगाएं, उसको इस तरह के मिट्टी के पॉट में ही लगाएं। प्लांट कैसा लग रहा है? छोटा सा है, अभी बहुत छोटा है, लेकिन कैसा लग रहा है ये आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा। चलो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। पेड़ पौधे लगाते रहिए और धरती को हरा भरा बनाए रखिए। एक बात और जाते जाते मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोविड टाइम चल रहा है और इसमें ऑक्सीजन के लिए सब परेशान है। खैर वह ऑक्सीजन अलग होती है कि पेशेंट को जो ऑक्सीजन दी जाती है, लेकिन पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हम सभी जानते हैं कि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वह पर्यावरण में ऑक्सीजन देते हैं। और अगर आपके पास ज़मीन है तो पीपल, आम, अमरूद, नींबू, जामुन, इस तरह के पौधे लगाएं, ताकि वह ऑक्सीजन तो देंगे ही देंगे, साथ में हमें फल भी देंगे।